लोगों की पहली पसंद बना चैंपुर का फूडीज रेस्टोरेंट ने इस साल के जश्न के लिए दिया। टेस्टी फूड और वैरायटी के खाने के लिए लोगों की पहली पसंद बना चैंपुर घाटला का फूडीज रेस्टोरेंट नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेज नॉन वेज बिरयानी मोगलई चाइनीज के साथ साथ यहां लोगों की पसंद के सभी प्रकार के फूड उपलब्ध है। यहां आपको चैंपुर की खाओ कली भी मिलेगी जिसमें फास्ट फूड और स्पेशल सोया चाक का आनंद आप ले सकते हैं। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए फ्यूरो रिपोर्ट। बहुत बढ़िया, मैं यहीं से गुजर रहा था तो देखा नया कुछ रेस्टोरेंट दिखा मुझे तो मैं रुक गया 10 मिनट के लिए। तो मैं मेरा नाम डॉक्टर संतोष मौर्या है, मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है चैंपुर नाके पे। और जिस तरह से मैं यहाँ से देख रहा तो मुझे कुछ नया सा महसूस हुआ। तो मैं आया था चैंपुर की खाओ गली, मुझे कुछ अलग सा फील हुआ कि अरे खाओ गली चैंपुर में कहाँ से आ गया। तो मैं आया यहाँ देखा तो काफ़ी अलग अलग वैरायटी के लोग यहाँ रखे हुए थे, व्यंजन हैं, तो मैंने कुछ खाए भी और टेस्ट भी किए और देखा तो रेस्टोरेंट भी है। तो मेरा ऐसा प्लान बन रहा है कि इस बार 31st को मैं यहीं पे फैमिली के साथ ट्रिप किया जाए। नहीं, इस तरफ से देखा जाए तो काफ़ी स्पेशियस जगह है और काफ़ी सुंदरता के हिसाब से बनाया गया है। और जिस तरह फूडिस का नाम है, फूडिस नाम बहुत मैंने सुना था लेकिन आज मैंने टेस्ट किया, खाया, बहुत मुझे बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम देवू मंडल है और जो मेरी कंपनी है फूडीज करके कंपनी है। पिछले 2013 साल से मैं इस कंपनी में हूँ और कंपनी का डायरेक्टर हूँ। और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए और ज़्यादातर लोगों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाया। जब मैंने चैम्बूर में आया और चैम्बूर में देखा कि काफ़ी बड़ी जगह है और इस जगह को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मल्टी क्यूजन रखा जाए। तो एक ही जगह पे हर एक इंसान के लिए मिलेगा, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग से महिलाएं पुरुष जो भी आएंगे, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। हम सबका ख्याल रखते हैं कि ऐसा खाना खिलाएंगे कि कोई भी आके यहाँ पे खाना खा सके। खाने का जो रेट है वो भी इतना महंगा नहीं है, हम डिस्काउंट भी देते हैं, बीच बीच में ऑफ़र देते हैं, 10%, 20%, 30% ऑफ़र देते हैं हमारे कस्टमर के लिए। और इसके अलावा हम एक्चुअली बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो जितने भी हमारे बंगाली लोग हैं तो उनके लिए बंगाली जो दम बिरयानी होते हैं वो बिरयानी रखा है, फिर फिश करी रखा है, उनके लिए मटन रखा है। और इस जो आसपास के जो एरिया है, लोकलिटी जो है, ज़्यादातर लोग नॉनवेज पसंद करते हैं, तो जो हमारे जो स्पेशल जो है सी फूड उसमें हम ज़्यादा जोर देते हैं। सी फूड बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ का जो सी फूड है हम लोग मार्केट से रेगुलर लेके आते हैं, फ्रेश सी फूड होता है और बिल्कुल सस्ते में हम लोगों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा बाहर जो आप देख सकते हैं कि खाओ गली हमने बनाया, फूड इज चैम्बूर की खाओ गली है, जिसमें बहुत सारे वैरायटी है। अगर बच्चे लोग आएंगे उसमें बच्चे लोगों से अगर शुरुआत करें तो आइसक्रीम से लेके पाव भाजी, छोले भटूरे, साउथ इंडियन इडली, डोसा, मेदू वड़ा, बहुत सारे वैरायटी है, जूसेस है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज है, सैंडविचेस है। और एक नया कॉन्सेप्ट हमने लाया, दिल्ली का जो सोया चाप बहुत अच्छा चल रहे है, वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए दिल्ली का सोया चाप लेके आए। जो सोया चाप एक बार खाएंगे हमारे यहाँ के तो दोबारा लोग आएंगे, तारीफ करेंगे और दोबारा दूसरे को बोलेंगे अरे एक बार फूडीज में जरूर जाना चैम्बूर का सोया चाप खाने के लिए। तो ऐसा बाहर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास जो चाट काउंटर है ऑथेंटिक पानी पूरी देते हैं हम लोग, सेव पूरी, पानी पूरी, जितने भी दिल्ली स्टाइल का है लोग आके खाते हैं। और बाहर हम लोग चाइनीज़ भी देते हैं बिल्कुल सस्ता रेट में, ताकि यहाँ के लोग आए, खाए और इन्जॉय करें। और दूसरी बात और एक बड़ी बात है कि हमारे पास पार्किंग की कमी नहीं है, भरपूर पार्किंग है। आप जितने भी आपको अगर दोस्तों के साथ में आएंगे कम से कम 50 कार के पार्किंग अंदर कर सकते हैं, आप आराम से बाइक पार्क कर सकते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आराम से बैठ के खाइए, आपका खुद का घर है, आप आइए और हमारे जो रेस्टोरेंट का जो मज़ा है उठाइए, स्वादिष्ट का भोजन जो भोजन है उसका मज़ा लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए पिछले 3 साल लोग घर पे बंद थे, तो हर जितने भी भारतीय है हर एक के मन में एक है कि नए साल आ रहे हैं, ये साल एक आज़ादी मिल जाएगा, हम लोग खुल के नए साल के जश्न मनाएंगे। और होना चाहिए, हर आदमी हर इंसान चाहते कि गरीब से गरीब अमीर से अमीर लोग भी चाहते कि नए साल एक खुशी के साथ में एंट्री को, तो हम भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि जो नए साल होगा हम हमारे जो कस्टमर है उनके लिए अनलिमिटेड बुफे देंगे, अनलिमिटेड स्टार्टर देंगे और
मैं सोचता हूँ कि जितना कम से कम रेट में दिया जाए ताकि लोग आए खाए और हमारे यहाँ पे जो होटल है इसका लोग आनंद उठा सके, फायदा उठा सके। थैंक यू। नमस्कार, मैं विश्वास बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं फूडीज रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। यहाँ पे हमारा जो एंटरटेनमेंट है जो भी है, गेस्ट आके बहुत खुश होते हैं और हमारा जो फूड क्वालिटी है, फूड क्वालिटी मेरा हिसाब से वेरी नाइस है, क्योंकि हर गेस्ट खाना खा के जो रिप्लाई देते हैं बहुत अच्छा है तुम्हारा यहाँ का खाना। हम लोग एक्चुअली हाईलाइट करना चाहते हैं बिरयानी एंड सी फूड, और सी फूड में आपको सब वैरायटी मिले और हम लोग सी फूड जो है एकदम फ्रेश लेके आते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट से फ्रेश लेके आके उसके बाद हम लोग बनाते हैं, ऐसे फ्रोजन का नहीं है। और यहाँ पे बिरयानी जो है, बिरयानी हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। बिरयानी में बहुत सारे हैं, जैसे बांग्लादेश का हाजी बिरयानी है वो बहुत फेमस है। वो हाजी बिरयानी जो है यहाँ पे जो भी हिसाब से बनते हैं वो हिसाब से नहीं, वो राई का तेल में बनते हैं, और उसका जो राइस आता है, बिरयानी राइस नहीं, वो राइस थोड़ा अलग राइस आता है। वो हिसाब से हम लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे चाप बिरयानी है, मटन चाप बिरयानी, जैसे बगदादी बिरयानी, ये सब हर रेस्टोरेंट में नहीं मिलते। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो हमारा गेस्ट आए, गेस्ट को खुश करना है, अलग अलग चीज़ खिलाना है। जैसे फिश में हम लोग पास बहुत सारे वेराइटी है फिश का, बहुत तंदूरी में बहुत सारे आइटम है जहाँ पे नहीं मिलते फिश में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो हाईलाइट करने के लिए। अतिशय उत्तम आणि चविष्ट असं तुमचं जेवण होतं। आम्ही जालन्यावर आलो होतो पूर्ण फॅमिलीसहित, आणि जे मित्र आहे राजेंद्र नगराळे साहेब, त्यांना विचारलं आम्ही की आता खारदेव नगर आपल्या घाटल्यामध्ये जेवण करायचं आहे। त्यांनी तुमच्या फुडीज हॉटेलचा आम्हाला एक रिव्ह्यू दिला, तुम्ही तिथं जा एकदा जेवण बघा कसं आहे। आज आम्ही सगळेजण इथं जेवायला आलो, अतिशय चविष्ट उत्तम आणि एकदम चांगली क्वालिटीचं जेवण आम्हाला या ठिकाणी मिळालं, आणि याचं नाव घेऊन आम्ही जालन्याला नक्की जाणार, आणि कधीही मुंबईला आलो तर इथं जेवल्याशिवाय आम्ही वापस जाणार नाही। एक ऐसे बड़े होटल में आप बैठे हैं जहाँ के किस तरह का यहाँ पे फूड है, आप यहाँ पर हर रोज़ आते हैं खाने के लिए, क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक्चुअली अभी जस्ट लॉन्च हुआ है यहाँ पे फूडीज, और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक 5 to 6 टाइम रहेगा मैं आज यहाँ पे खाना खाने को आया हूँ। इट्स ब्यूटीफुल फॉर, सबसे बढ़िया है कि फिश यहाँ के, यानी फिश के लिए सबसे, आप स्पेशली अगर कुछ खाना चाहेंगे तो फिश यहाँ के बहुत डिलीशियस है और बहुत अच्छे अलग अलग रेसिपीज़ में यहाँ पे फिश करके मिलते हैं। बाय द वे नॉनवेज के लिए तो बहुत अच्छा है, सेम टाइम एज वेल एज उनके वेज डिशेज भी बहुत अच्छे हैं, अलग अलग तरीके के। अभी जस्ट उन्होंने खाऊ गली भी लॉन्च किया है, जो यहाँ पे यंग कवर्स वगैरह कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह बहुत आते हैं, और एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग्स अच्छा है और स्पेस अच्छी है, स्पेशियस है, यहाँ का एम्बियंस एक वाइब्स अच्छी है यहाँ पे, प्रॉपरली वाइब्स वगैरह यहाँ पे। अगर फैमिली को स्पेशली आपको लेके आना है तो एनी टाइम आप कभी भी आ सकते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, फूडीज बेस्ट है। और अपना चेंबूर में सत्यभामा होटल, होटल सत्यभामा के यहाँ पे ही उनका नीचे अपना ये है बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर में, जस्ट अपोजिट टू अमर थिएटर लोकेशन के लिए। सो प्लीज़ विजिट द फूडीज एंड माई ऑल विशेज फॉर, बेस्ट विशेज फॉर देयर नेक्स्ट, अगले साल के लिए उनके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। थैंक यू। मतलब होटल में तुम्हें बसने आता है, जेवन करता है, कस फूड कसा है का सांगणार आहे? रदर हॉटेलमध्ये प्रवेश केल्यानंतरच मन अगदी प्रसन्न होऊन जातं। जे त्यांनी हॉटेलचं डेकोरेशन केलं आहे ते बघून अतिशय मन चांगलं वाटतं, आणखीन खावंसं वाटतं असं। आणि मुख्यतः यांचं नॉनव्हेजमध्ये फिश आयटम जे आहेत ते एवढे चवदार आहेत, खाताना पण तोंडाला चव जेवल्यानंतरही कित्येक वेळ राहते, आणि अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं आता यांची सर्व्हिस पण चांगली आहे, आणि बिलामध्ये पण अतिशय वाजवी सगळ्यांना परवडतील अशी। आणि दुसरी गोष्ट इथे आणखीन एक आहे की इथे आपण बड्डे सेलिब्रेट करू शकतो, लग्नाचा वाढदिवस किंवा असे छोटे मोठे समारंभ इथे चांगल्या प्रकारे आयोजित करू शकतो। आता चांगलं प्रशस्त आता हे हॉटेल आहे, बाहेर पण चांगल्या प्रकारे सर्व्हिस आहे, आणि आल्यानंतर 100% एकदा तरी येऊन चव घेऊन जावं असं हे हॉटेल आहे। आणि आम्ही तर खाल्लं एक, आणि पण तुम्ही येऊन एकदा चव घ्या तेव्हा तुम्हाला कळेल की किती चांगल्या दर्जाचं हे हॉटेल आहे। ओके, और यहाँ पर आपने लंच किया है, कैसा लगा, क्या करना? ओके, सो मेरा नाम अमय दलवी है, सॉरी,
श्योर। मेरा नाम उमेद आईवी है, मैं कुरला से आई हूँ फूडीज होटल में। हमने अभी अभी यहाँ पे लंच किया है, खाना बहुत बढ़िया है, इनका एम्बियंस भी बढ़िया है और स्टाफ सर्विस सब कुछ बहुत बढ़िया है। थैंक यू। इस होटल में नए साल पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, फूड काफ़ी अच्छा है, क्या करना चाहेंगे और नया साल का किस तरह लोगों को शुभेच्छा देंगे? मैं सबसे पहले जितने भी चेंबूर के वासी हैं, मुंबई के जो वासी हैं, उन सभी को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सब लोग आ रहे हैं और हमारे होटल पे आना शुरू हो गया, और आप लोग भी हमारे पे आए हैं, हम आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमने जैसे शुरुआत किया था, काफ़ी दिन लोगों ने देखा, और जब हमने ऑफ़र चालू किया, जैसे फूडीज़ का 20% ऑफ़र किया, जैसे चालू किया, लोग आना चालू हो गया। हमारे यहाँ पे जैसे सी फूड अच्छा मिलता है, बिरयानी है, कबाब है, तंदूरी चिकन है, चाइनीज़ है, इंडियन है, मलवानी है, और बाहर हमने खाओ गली लगाया, तो खाओ गली में भी अनलिमिटेड वैरायटी है, जैसे साउथ इंडियन है, पाव भाजी है, छोले भटूरे है, चाप है, सोया चाप, मिसल पाव है, सैंडविच है, पिज़्ज़ा बर्गर है, आपका मोमोज है, अनलिमिटेड वैरायटी है, जो कोई भी आ सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक के लिए वेज नॉन वेज उपलब्ध है। बाहर से अलग सेक्शन है प्योर वेज के लिए, अंदर प्योर अंदर वेज नॉन वेज दोनों है, तो हर व्यक्ति यहाँ पे आके अपना जो है एक आनंद उठा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और पूरे परिवार के साथ में आके खुशियाँ मना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए परिवार के साथ में एक बार विजिट करें और खाना खाएं, अपना जो भी समय बिताए। पार्किंग का कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भरपूर पार्किंग के लिए जगह है, तो उसके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कम से कम 40 से 50 कार पार्क हो सकते हैं एट ए टाइम। थैंक यू। मैं वो बोलना चाहता हूँ कि सब लोग एक बार आके देखना, और मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग आते हैं और सब लोग रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमारा जो रिव्यू है 4.9 का रिव्यू चल रहा है, इसलिए मैं पूरे चेंबूर वासी को और बॉम्बे को, जितने बॉम्बे के लोग हैं जो बाहर दूर दूर से आ रहे, सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।